Good morning guys, I am Harshankar Shani from IPHI. I am pursuing BSc Optometry. Now we will discuss about the structure of eyeball. सबसे पहले बात करते हैं कि eyeball होता क्या है. Then ये जो eyeball होता है, six muscle से attached होता है, जो हमारी movement के लिए help करती है. जिसमें हमारी चार rectus होती है, दो oblique होती है, जो हमारी all यहाँ से eyeball में connect होती है. Four rectus and two oblique. अब हम बात करते हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आईबॉल. तो जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है, सबसे पहले उसका एंटीरियर जो सेगमेंट होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर उसका कॉर्निया होता है, जो कि ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है. तो इसे हम, ये जो हमारा है कॉर्निया है, जो हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जो फ्रंट पार्ट ऑफ द आईबॉल होता है. उसके बैक साइड में जो होता है वो होता है आईरिस, जो इसको हम कलर पैड ऑफ द आई भी बोलते हैं. देन उसके जो बीच में जो सेंटर वॉल होता है, इसको प्यूपिल कहते हैं, जो हमारी लाइट को एंटर, इसमें हमारी लाइट एंटर होती है आईबॉल के अंदर. जो इसके पीछे आता है वो होता है लेंस, जो एक रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है. देन उसके जो पीछे पार्ट आता है वो आता है विट्रियस ह्यूमन, जो एक जैगलाइज स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी आई की शेप को कंट्रोल में रखता है. अब हम बात करते हैं लेयर्स के बारे में. जो अपर सबसे फर्स्ट लेयर होती है वो होती है स्क्लेरा, जो हमारी फाइब्रस लेयर होती है, जो कि हमारा, जो आप देख पा रहे हैं कि जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है वो हमारे एक लेयर है. तो हम बात करते हैं सेकंड लेयर के बारे में. जो सेकंड लेयर होती है वो होती है वास्कुलर लेयर, जो कि हमारी कोरोइड लेयर के भी नाम से जानी जाती है. देन उसकी इनर मोस्ट लेयर की बात करते हैं, वो होती है रेटिना, जो कि हमारी नर्वस लेयर होती है, जो हमारी इनसाइड द आईबॉल होती है. देन उसके पीछे आता है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व जो हमारी ब्रेन से कनेक्ट होती है. तो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. दैट्स ऑल, थैंक यू.